हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल केके। जी हाँ दोस्तों, आज जानने वाले हैं कि फेसबुक अकाउंट अपना कैसे डिलीट करें। चलिए दोस्तों, आपको अपना फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अपना यहाँ से फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है, मतलब फेसबुक को ओपन करना है दोस्तों। उसके बाद फेसबुक को ओपन करने के बाद दोस्तों, थ्री डॉट आपका एक लाइन शो हो रहा होगा ओपन करने के बाद, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन शो होता है ना, सेटिंग एंड प्राइवेसी का, जिसको इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग का एक ऑप्शन खुल के आएंगे, ठीक है। तो आपको ये सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा सबसे नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन वाला एक ऑप्शन शो हो रहा है सेकंड नंबर में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर आपको क्लिक कर देना है फिर से। इस पर क्लिक करने के बाद तो ये दो चार ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि आप किसके वजह से अपना फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। तो यदि कुछ आपका प्रॉब्लम है तो फेसबुक आपको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो आपको डिलीट करना है तो कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है दोस्तों। नीचे आने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, देख सकते हो यदि आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है आपके फेसबुक में, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, या सेव पोस्ट जो किए हैं उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहां से वो चीज़ कर सकते हो। और नहीं कुछ करना है तो सिंपली डिलीट का अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको पासपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। तो मैं पासपोर्ट डाल देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहां से पासपोर्ट अपना डाल दिया, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों, ये बता रहा है कि यदि आप 30 दिन के अंदर अपने अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेते हो तो ये डिलीट नहीं होगा, ये सर्च में नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो 30 दिन के अंदर ये लॉगिन, तो ये आपका परमानेंटली आपका ये फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाएगा और सर्च में भी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये डिलीट हो चुका है। ये डिलीट होने के बाद दोस्तों, ये अनदर एक नया अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हो, वो ऑप्शन खुल कर शो हो रहा है, तो आपका अकाउंट वो डिलीट हो चुका है। यदि आप 30 दिन के अंदर उसे फिर से लॉगिन करते हो तो आपका डिलीट नहीं होगा, यदि नहीं करते हो तो 30 दिन के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।